पहुंच गया मंदिर। क्या मंदिर पुराना अंग्रेज आया था, उसने यहाँ पे जो मतलब ड्रिंक करके जो लिखा है उर्दू में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। होप करते हैं आप लोग हमारे तरफ बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो आज है 17th of August, 15 अगस्त के दो दिन बाद जो भद्राज में मेरा लगता है 16 और 17 का। तो आज हम लेके चलते हैं आपको मेले में और आपको दिखाते हैं वहाँ पे मतलब आज की मतलब जो मंदिर है वो कृष्ण जी के जो भाई है उन्हें समर्पित है। 225 साल पुराना वो मंदिर है। आपको लेके चलते हैं, वहाँ के सीन्स दिखाते हैं। इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है, मतलब मान्यता इतनी उस मंदिर की। तो आप लोग लेके चलते हैं। तो गाइस ना, मंदिर जो भद्राज देवता है वहाँ दो रास्ते हैं, एक है मसूरी से और एक है किवाड़ी से। तो हम आज जा रहे हैं किवाड़ी से, बिकॉज यहाँ से रश कम थोड़ा रहता है ना, ट्रैफिक बहुत कम रहता है, और वहाँ से मसूरी से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो गाइस मेन किवाड़ी पहुँच चुके हैं हम। अब यहाँ से हाथीपाव रहता है अभी 25 किलोमीटर कम से कम ना। अब यहाँ से हाथीपाव जाएंगे, हाथी पाव के लिए तो उधर चले जाता है जो वहाँ से कटता है ना, जॉर्ज के लिए और भद्राज के लिए। तो वहाँ से हम सीधा चले जाएंगे। अब वेट कर रहे हैं, वो दोस्त लोग भी आ रहे हैं, बुआ भी आ रही है, भाई भी आ रहा है। अब थोड़ा वेट करते हैं फिर चलते हैं। देखो सामने जो लंबीधार माइंस वाले रास्ते में जो ये है हमारा फॉल, एक बार देखो कितना सुंदर भी फॉल लग रहा है। यहाँ रुक गए थे हम थोड़ा, हम इधर आप लोगों को दिखाते हैं कितना प्यारा ये फॉल लगता है। यहाँ से मतलब गाँव वालों का पानी जाता है, और जो हिडन प्लेस है ना, हिडन को हिडन रहने देते हैं लोग, जो दिखाते हैं कि देहरादून में हिडन प्लेस, हिडन रहने देने चाहिए, तभी तो उसे हिडन प्लेस बोलते हैं। पर हमारे साथ ये भी है अंकित द राइडर, अंकित द एनएस राइडर। तो हम आप फोटो वगैरह खींच रहे हैं, अब फिर चलते हैं। सुबह इसी जो रास्ता है जॉर्ज एफ्स के चले जा रहा है, हाथी वाम पहुँच चुके हैं, और ये जो जा रहा है सीधा भद्राज देवता के लिए। एक बार यहाँ मौसम अब सही हो गया है, और ये ऊपर हाथी पाव और नीचे जॉर्ज एवरेस्ट, वो ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट का जहाँ पे ट्रैक करते हैं। ये देखो ये वो पहाड़ है, अब चलते हैं सीधा सीधा और लेके चलते हैं आपको। तो गाइस धीरे धीरे चल रहे हैं हम भी ऊपर को, अभी रश मिला नहीं है, अभी आगे शायद रश मिलेगा हमें, अभी ज़्यादा लोग दिखे नहीं है अभी चढ़ते हुए ऊपर। अब आगे देखते हैं कितने लोग मिलते हैं और चलते हैं फिर हम लोग भी यहाँ पे। तो देखो दोस्तों सामने कोहरा है, सोहरा दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, वरना एकदम क्लियर पहाड़ दिखता है, पर जो कोहरा हो रहा है बहुत भयंकर कोहरा हो रहा है यहाँ पे। और रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है रास्ता, अब तो चल ही रहे हैं लोग बैठ के पीछे अपने साथ के जो साथ वाले थे आ रहे हैं, दोनों गाड़ी आ रही है, वो और भी आ रहे हैं साथ पीछे, तो चलते हैं। बाकी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, परसों भी आए थे मैं तो आपने ब्लॉग में देखा होगा, जो सेकेंड पार्ट है उसमें देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखना जाके। इन रास्तों से आए थे हम सब में, और हमारी जो गाड़ियों की दिक्कत हुई थी वहाँ पे भी कहा छोटा बैंड है ना, और गाड़ियाँ आ जा रही थी, तो इसलिए एक बारी में वहाँ गाड़ियाँ नहीं कटती, दो दो बारी में कटती हैं वहाँ पे गाड़ियाँ, तो इसीलिए। बाकी सो गाइस आ रहे हैं साथ में सारे, अब हम भी धीरे धीरे चल ही रहे हैं, और पीछे आ रहे हैं दो बाइक वाले अपने साथ, पर रास्ता जो हो रहा है ना एक नंबर। कैसे दरार आ रही, कैसे फट रहा है रास्ता, अभी तो कुछ भी नहीं आया गाइस, रास्ता तो आ गया है जो होता है ना, अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं, और आगे बहुत ज़्यादा खराब रास्ता है, क्योंकि बरसात में कहाँ बनती है रोडें, और जो बनती है फिर वो खराब हो जाती हैं। तो गाइस देखा कि वो कितना प्यारा हो रहा है यहाँ का, अभी पहला मैगी पॉइंट आने वाला है यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे आएगा, देखते हैं चल के पहला मैगी पॉइंट आने वाला है, वो दिखाते हैं आपको। ये आ गया यहाँ का पहला मैगी पॉइंट, चाय मैगी आपको मिल जाएगी। कन्फ्यूज नहीं होना है, ऊपर हमें दो रास्ते हैं आपको, ऊपर वाले में, हाँ दो ऊपर वाले में जाना है। टू व्हीलर में इशू आता है थोड़ा, तब मैं आ गया हूँ यहाँ पे शॉर्टकट रास्ते से पैदल पैदल, तब तक ऊपर पहुँच जाएंगे। जो ये है लेटीट्यूड बहुत है ना, ऑक्सीजन में थोड़ी दिक्कत होती है, भागोगे तो जल्दी सांस फूलेगी इसीलिए। तो भाई जी देखो सामने व्यू, और चलते सच में हालत ख़राब हो गई है,
लैंगिंग लॉटीट्यूड बहुत है यहाँ पे, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, और जो सांस चढ़ जा रही है बिकॉज कोहरा भी बहुत हो रहा है और इतने चलने की आदत है नहीं ज़्यादा इसलिए। चले तो गाइस आगे रास्ते पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी हो रहा है, वो देखो सामने टप्पू का भी पैदल ही आ रहा है, मैं भी पैदल ही आया था आगे तक, अब रुकते हैं अगले, वेट करते हैं फिर आते तो भी चलते हैं। इस परसों में हम इससे आगे तक पहुंचे थे, उसके बाद अपने जो साथ की थार थी सारी पीछे रुक गई थी, वो एक के वजह इतनी प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से सारे रुक गए थे, कोई नहीं अब चलते हैं धीरे धीरे। ये देखो रास्ता बहुत खतरनाक है अभी, गाइस भीड़ चेक करो एक बार, क्या मौसम हो रहा है यहाँ पे, एक नंबर भीड़। तो गाइस मतलब हम पहुँच गए ऊपर, गाड़ी लगा दी हमने पार्क में, और शायद भाई आगे लेके चले गए, फूफा पीछे पैदल आ रहे हैं, पर गाइस जो यहाँ पे ठंडा हो रहा है ना मौसम एक नंबर, और मैंने गाड़ी पार्क लगा दी है 360 करके। पर गाइस यहाँ पे जो मेला लग रहा है ना गाड़ियों का मेला, तो यहीं पे लग गया है, अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, हम चलते हैं ऊपर थोड़ा, अभी बस फूफा आ जाए उनका वेट कर रहे थे, गाड़ियाँ तो ऐसी लगा रही है ना मतलब, तो बस पूछे वहाँ तब देख। तो गाइस अब चल रहे हैं ऊपर को, तीनों आगे हम सारे बेटे पीछे आ रहे हैं, पीछे लोग बस अब आ जाते हैं, अब धीरे धीरे चल रहे हैं ऊपर को। तो गाइस यहाँ से अब एक किलोमीटर और रह गए, यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियाँ, गाड़ी अच्छा वाला है, यहाँ पे भीड़ लग जाती, पर कोहरा ऐसा हो रहा है ना एक नंबर। हेलो गाइस तो अभी चल रहे हैं, स्टंप फाड़ देंगे, रोम रोम भाइयों, तो अभी स्टंप फाड़ देंगे, साथ वाले आ रहे हैं, जितने रह गए वो आ रहे हैं, बाकी अब चल रहे हैं हम ऊपर, बाकी चलते हैं ऊपर अब। तो गाइस अब फाइनली चल रहे ऊपर, बहुत देर इंतजार कर रहा, ऊपर भी पीछे आ रहे होंगे, अब चलते हैं, नहीं अब चलते हैं सारे, भीड़ भी बहुत हो रही है ना, पर कोई ना अब चलते हैं धीरे धीरे। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं ऊपर, साथ वाले खड़े हैं वहाँ पे, पहुंचने वाले ऊपर, फूफा का कुछ पता नहीं कहाँ पहुंचे अभी। तो गाइस फूफा आ रहे हैं यहाँ से, आ जाओ यहीं से, यहीं से शॉर्टकट है, आ जाओ। तो गाइस आखे हैं फूफा भी, अब वो लोग गए हैं थोड़ा ऊपर, और फिर चलते हैं मंदिर अब ऊपर। तो गाइस चलते हैं, तो गाइस पहुंचने वाले हैं मंदिर, हम थोड़ा सा रह गया ज़्यादा नहीं, हम अब चले जा रहे हैं ऊपर, साथ वाले तीनों आगे, बैग दे दिया हमने आगे, अब हम चल रहे फ्री, अब चल रहे हैं धीरे धीरे, अभी काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा होगा ऊपर, अब देखते हैं आगे किस में। तो जी पहुंच गए ऊपर, आप देखो क्राउड, आप और ये मेला लगता है यहाँ पे, ये दुकान है देखो, पहले ये चेक करो, यहाँ पूरा चल रहा है बढ़िया तरीके से मेला, पहुंच गए हम भी, और धीरे धीरे चल ही रहे हैं, हम देखते हैं मंदिर भी ज्यादा दूर नहीं, मंदिर भी थोड़ा दूर रह गए, और कीचड़ बहुत हो रहा है यहाँ पे, साइड इज आउट कीचड़ बहुत हो रहा है, हेलमेट बाइक में था तो हम आगे लिया, स्कूटी की तो एक रख दिया था, बाकी कीचड़ वगैरह मतलब जरूरत वाला सामान सारा ले सकते हैं, पर भीड़ बहुत हो रही है बहुत ज़्यादा, अब चले जा रहे हैं, पर अब चलते हैं। सो गाइस मंदिर पहुंचने वाले, मंदिर से थोड़ा मीटर पहुंचने वाले, मंदिर होगा 300-400 मीटर ज़्यादा, अच्छा इतने मंदिर होगा, पहुंचने वाले हैं, ठंडा काफ़ी हो रहा है, अब दिखाते हैं आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, परिक्रमा वगैरह लेते हैं और ऊपर से व्यू दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन से क्या नहीं है। ये से टेम्पल दिख नहीं रहा है अभी, दोबारा कोहरा आ गया है, अभी तक दिख रहा था और अब नहीं दिख रहा है, तो अभी चलते हैं बिकॉज ऊपर पहुँच गए, ढोल बज रहे हैं, अब चलते हैं, एंगल सही है ना, अब चलते हैं, आप लोगों को दिखा दें सीन। तो भाई शूज़ वगैरह हमने यहाँ पे उतार लिए हैं, अब चल रहे हैं, देखो क्राउड देखो,
अब मंदिर में ऊपर और ज़्यादा हो रहा हुआ। और गाइस क्राउड देखो यहाँ से मंदिर के लिए जो लाइन लगी है, यहीं से लगी है, काफ़ी टाइम लगेगा अभी तो, शायद एक डेढ़ घंटे में लग जाए पूरा। देखो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो पहुंच चुके गाइस मंदिर में ऊपर, तो एक बार भीड़ देखो सामने, और मौसम एक नंबर हो रहा है, पर दिख नहीं रहा है नीचे पहाड़ वगैरह कुछ। तो पहुंच गए, बाकी हम निकालते हैं सामान वगैरह, उसके बाद देखते हैं आगे के सीन, तो चढ़ाते हैं यहाँ प्रसाद। तो जी पहुंच गए मंदिर, और आप देखो सामने जाओ बदराज देवता की। तो जी हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 से, गेट नंबर 2 वाला है, इसमें प्रसाद चढ़ाते हैं हम। यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है कच्चा दूध और कच्चे चावल, यहाँ का रिवाज है कच्चे दूध और कच्चे चावल वो चढ़ाते हैं। बताया जाता है ये 200 साल पुराना अंग्रेज आया था, उसने यहाँ पे जो मतलब ड्रिंक करके जो लिखा है उर्दू में, ये कोई पढ़ नहीं पाता, और ये पत्थर इसलिए टूट भी नहीं पा रहा है। और जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी 200 साल पहले, तब का है जब ये, तब ये लिखा था, हमें भी इन भैया ने बताया ये जो यहाँ पे था। और मतलब क्या ऐसा है इसका, मतलब कोई पढ़ेगा तो पलट जाएगा ये, तो गाइस इसे कोई इसे पढ़ भी नहीं पाता है, ये जो लिखा है उस टाइम बताते हैं अंग्रेज। हाँ तो वही बात है, मतलब कोई पढ़ नहीं पाता इसे, जिसने जिस दिन पढ़ा उस दिन ये पत्थर पलट जाए, पर ये टूट भी नहीं पाता पत्थर है ना जो। तो गाइस दर्शन हो गया हमारे, अच्छे से नीचे घूमते हैं, मेला टिफिन हम लाए थे आलू पूड़ी, अब हम चलते हैं शूज़ वगैरह पहन के मेला घूमते हैं, उसके बाद देखते हैं। दर्शन हमारे अच्छे से हो गए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा रुकने भी नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, पुलिस वालों ने 2 लाइन लगवा रखी है, तो यही थे सीन्स। तो उसके बाद चलते हैं, तो गाइस शूज़ वगैरह हमने पहन लिए, अब चलते हैं नीचे हम मेले में, थोड़ा भाई लोग देखते हैं कहाँ पे कहाँ पहुँचे, चलते नीचे। सो गाइस ये भीड़ देखो आप, ये देखो भीड़, तो गाइस ये देखो भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और ये कोहरा आया जा रहा है यहाँ पे, और जिससे कि थोड़ा ब्लर ब्लर सा हो रहा है, वरना मैं आपको क्लियर दिखाता कि कितनी भीड़ हो रही है। पर अब चलते हैं उधर से आगे। ये देखो सामने, कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, मतलब तो भाई चलते हैं नीचे, दर्शन वगैरह हमारे अच्छे से हो गए थे, चलते नीचे हम, बहुत भीड़ हो रही है, अब नीचे उतरते हैं। गाड़ी के ब्रेक थोड़े लूज हो गए थे, टाइट करते हैं, यहाँ रुके थे वहाँ, तो अब इसको चेक करते हैं। अब फूफा जी की हालत ख़राब हो गई ब्रेक ना लगने के कारण, अब यहाँ चलते हैं ऊपर एक और बार आज, और फिर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। कोहरा देखो कितना ज़्यादा हो गया, ये देखो सामने कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया है, अब यहीं खाना खाएंगे, इसमें चलते हैं ऊपर। यहाँ से परसों तो नेटवर्क आ रहे थे एयरटेल के थोड़े थोड़े, हम देखते हैं आज।
आ गया हो गया वो तो ये टावर टाइप का ही है काफी ऊंचा। ये देखो टेढ़ा है पूरा पूरा और नीचे का इतना प्यारा व्यू दिख रहा है, वाह यहाँ से क्या बात है। ये देखो भी हिल रहा है गाइस थोड़ा थोड़ा, देखो। तो गाइस मैंने नीचे पहुंच चुके हैं, हम यहाँ फोटो शूट करते थे, अब उतर के नीचे। अब रास्ते में अगर दिखते हैं कोई अच्छे सीन तो हम आपको दिखाते हैं, वरना फिर चलते हैं घर और घर में मिलते हैं आपको। यहाँ रुके था थोड़ा, अब चलते हैं घर। छोड़ के हमें भूल जा।